वेलकम टू माय क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट इसकी है स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, ये डेसिमल नंबर है और डिवन मेथड से करना है। तो एक हमारे पास डिवन मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में डिवन मेथड से करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने उस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, डेसिमल नंबर्स पर भी और जो होल नंबर्स होते हैं उन पर भी। तो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। इस नंबर को हम लिख लेते हैं अंदर, 7613 है हमारे पास, 0.609536 है। सबसे पहले जो हमने काम करना होता है ना, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं बाय डिवन मेथड, तो उसमें हमने नंबर लिखने के बाद ना यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेनी होती है। राइट साइड से टू टू डिजिट्स के ग्रुप बनाते हैं, ये और ये। इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है हमारे पास कि जब हम सिंपल डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइडेंड भी होता है, डिवाइजर भी गिवन होता है। हम सिंपल डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेंड को अंदर रखते हैं, डिवाइजर को बाहर रखते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ये डिवाइडेंड मतलब ये जो अंदर है वो नंबर तो हमारे पास गिवन है, डिवाइजर तो है नहीं, वो हमें खुद से लेना होता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए स्टार्ट में हमने जो है ना यहाँ पर वन डिजिट को सॉल्व करना है या टू डिजिट्स को करना है। तो यहाँ पर हमने जब ग्रुपिंग की, हमें पता चल गया कि स्टार्ट में हमने सेवन को नहीं करना है, 76 ग्रुप बना हुआ है तो इस पूरे को करना है, ठीक है। रूल क्या होता है डिवाइजर लेने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रूल आपके पास ये होता है कि जो नंबर आपने यहाँ पर लेना है वही यहाँ पर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर थ्री लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी थ्री ही लेना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर थ्री ले रहे हैं तो यहाँ पर फोर फाइव सिक्स सेवन जो भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेवन लूँ तो मुझे यहाँ पर भी सेवन ही लेना है, तो सेवन सेवन टाइम्स तो 49 हो जाएगा, वो छोटा आ जाएगा, 76 बड़ा है। अगर मैं लूँ एट टाइम 64 आ जाएगा, तो यहाँ पर 64 भी अभी छोटा है, 76 बड़ा है। अगर 9 लेती हूँ तो यहाँ पर भी 9 लेना पड़ेगा, 81 आ जाएगा, तो 81 तो बड़ा है, 76 छोटा है, तो हम यहाँ पर 81 लिख नहीं सकते। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 8 ही यहाँ पर ले लेंगे, 8 ही यहाँ पर, तो 8 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। समझ आया ना, 9 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो बड़ा आ जाएगा 76 से। तो फिर जैसे हम सिंपल डिवाइड में क्या करते हैं, स्टेप के बाद माइनस कराते हैं, हम माइनस ही कराएंगे। 6 में से 4 को माइनस करवाओ तो 2 आ जाता है, और 7 में से 6 को माइनस करवाओ 1 आ जाता है। अब आपने जो है सिंपल डिवाइड कर रहे होते हैं, 1 1 डिजिट उतारते हैं नीचे और सॉल्व करते जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप ही पूरा आएगा, 1 3 टोटल नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाना है, यहाँ पर 8 आपको पता चल गया ना कि आपने कंडीशन देखी कि आपके पास 76 से छोटा ही उसके इक्वल चाहिए था, तो फिर आपने देखा कि जो यहाँ पर नंबर लेना है वही यहाँ पर लेना है, तो आपने 8 ही लिया, यहाँ पर भी 8 लिया और हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइजर कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि जो नंबर यहाँ पर है उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पर लिख दें, तो 8 है, 8 में 8 को ही प्लस करें तो आपके पास 16 आ जाता है। 16 आ गया, 16 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट ले जो यहाँ पर भी ले, मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 13 आ जाए या इसके छोटा आ जाए इसे, तो 16 के साथ अगर तो हम ले लेते हैं 4 ले लें, ठीक है, नहीं 4 नहीं चलें, 5 के साथ या 6 के साथ ट्राई कर लेते हैं। 1 6 के साथ अगर हम 6 ही ले लेते हैं, यहाँ पर 6 ही हमें यहाँ पर लेना होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हम 1 6 के साथ अगर 7 लेते हैं ना, तो ऊपर भी फिर 7 लेना होगा, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 1 6 9 आता है, और अगर 8 से कराते हैं ना तो फिर हमारे पास 13 44 आ जाएगा और बड़ा आ जाएगा वो, तो हमारे पास तो 12 13 है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 12 13 है आपके पास, तो इससे हमें छोटा चाहिए, तो इसका मतलब ठीक है कि हम 8 और 8 नहीं लेते, हम 7 7 ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने से 1 1 6 9 आ रहा है, तो ठीक है ये ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, 7 लिया यहाँ पर और 7 ही आप यहाँ पर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 1 6 9। माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनको माइनस भी करा लेते हैं यहीं पर, तो माइनस कराने से हमारे पास 44 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि हमारे पास 44 आ रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि अब पॉइंट आ गया है, तो आपने पॉइंट यहाँ पर नहीं ऊपर ले जाना है यहाँ पर, और फिर ये 60 उतार लेना है यहाँ पर नीचे, 60 उतार लिया नीचे। अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व हो जाना है, आपके पास नेक्स्ट ऐसे सॉल्व हो जाना है कि आपने पहले तो ये किया था, इसमें इसी को प्लस करके यहाँ पर लिख दिया, अब ऐसा नहीं करना 167 में 167 को प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये होना है कि 167 का जो लास्ट डिजिट आपके पास 7 है, तो 167 में जस्ट 7 ऐड करना है, 7 में 7 को प्लस करें 14 आता है, 1 कैरी और 617 और 1 आ गया, 174 आ गया आपके पास, तो आप यहाँ पर 174 लिख दें। 174 के साथ अब ऐसा कौन सा डिजिट लें जो यहाँ पर भी लें, यहाँ पर भी लें, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये या इससे लेस आ जाए। तो अगर हम 174 के साथ 2 लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2 लेते हैं, ऊपर भी 2 लेना होगा ना क्वेश्चन में, तो हमारे पास 3484 आ रहा है। और अगर हम ना 3 ले लेते हैं ना यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3, तो फिर बड़ा आ जाएगा, देख लें।
फिर आपके पास 5229 आ रहा है, तो वहाँ पर तो हमारे पास जो है 4460 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 33 नहीं 22 ले लेते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने से क्या आ रहा है 3484, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 2 ले लेते हैं यहाँ पर भी और ले लेते हैं यहाँ पर भी, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3484। ओके हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3484, माइनस करवा देंगे, तो माइनस करा के देखते हैं क्या आता है। तो हमने 4460 में से 3484 को माइनस कराया तो 9776 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 976। ओके और फिर अब क्या करना है, अब 95 जो है पेयर वो उतार लें नीचे यहाँ पर और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। फिर से वही बात है कि हमने नेक्स्ट डिवाइजर कैसे लेना है, 1742 में 1742 नहीं ऐड करना, अब आपको पता चल गया होगा 1742 में जो उसका लास्ट डिजिट है 1742 का 2 वो बस ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 4 सॉरी आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा, 7 और 1744 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख लें 1744, 1744 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट लें जो यहाँ पर भी लें मल्टीप्लाई करवाएं तो 9795 के क्लोज आ जाए या उसकी इक्वल आ जाए। तो अगर 1744 के साथ 5 ले लेते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन में भी 5 लेना होगा, मल्टीप्लाई करवाएं तो 87225 आ रहा है, तो ठीक है। अगर हम 6 से कराते हैं तो बड़ा आ जाना, अभी करा के देख लें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 ले लेना है और यहाँ पर भी 5 ले लेना है और फिर आपके पास आ क्या जाना है मल्टीप्लाई करवाने से, 17445 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ रहा है 87225 और माइनस करा देते हैं इनको, माइनस कराने से देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 9 में से 27 6 में से 24 और यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में से 8 को माइनस करो 1 आ जाएगा। और अब क्या हो जाना है, अब जो लास्ट पेयर है वो भी उतार ले नीचे और फिर बस आपका एंड हो जाना है। अच्छा जी, अब फिर से वही है 17445 में जस्ट हमने 5 ऐड करना है, तो यहाँ पर करा देते हैं 17445 को 5 में जस्ट 5 ऐड करा देते हैं, तो ये 10 हो जाएगा और 1 कैरी 5 हो जाएगा 471, तो हमारे पास आ जाएगा 174 और 5 साथ में 0 आ जाएगा। अब हमने साथ ऐसा क्या लें जो यहाँ पर भी लें वहाँ पर भी लें मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाए कम्प्लीट, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमने ग्रुप उतार लिए नीचे तो ये कम्प्लीट सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम 6 ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 6 इसलिए कह रही हूँ, ऊपर भी 6 लेना होगा क्वेश्चन में, तो 36 आ रहा है लास्ट, तो सेटिस्फाई हो रहा है, देख लेते हैं फिर भी, तो सही है 17450 के साथ अगर 6 लेते हैं तो ऊपर भी क्वेश्चन में भी 6 लेना होगा, तो मल्टीप्लाई करवाओ तो 1047036 ही आ रहा है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, यही चाहिए था। तो ठीक है हम यहाँ पर क्या करते हैं 6 ही ले लेते हैं और यहाँ पर भी 6 ही ले लेते हैं और हमारे पास यही नंबर आ रहा है एग्जैक्टली 1047036 और इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, लास्ट पे 0 आ जाएगा। फाइनली हमने जो है सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, एक दफ़ा देख लें और फिर मैं लिख दूँ आंसर, ये देख लें, नोट कर सकते हैं आप कितना अच्छे से हमारा हो गया अच्छे से। आपको अगर समझ नहीं आई ना तो आप क्या करें, इसी टॉपिक पर 2 से 3 वीडियोस देख लें डिफरेंट क्वेश्चंस लेके, आपको क्या होगा अच्छे से समझ आ रही है कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है, इजी है बहुत ज़्यादा। और फिर मैं अब लिखना सिखा देती हूँ कि इस नंबर को ना आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया ना, तो इस नंबर को आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना, नंबर क्या है 7613.609536 ये नंबर है आपके पास। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर ये जो क्वेश्चन में है ना ये आंसर है, तो आपके पास क्वेश्चन में आया क्या है 87.256, मतलब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया और वो इसकी इक्वल आ गया ये। चलिए मैं आपको इतना बड़ा नहीं छोटा सा नंबर दे देती हूँ, ये नंबर ले लें और इसका अगर आंसर आपके पास 54.6 आ गया ना तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। तो फिर 2 से 3 क्वेश्चन लें और इसको सॉल्व करें, एक तो इसको कर लें ये आंसर आ जाएगा आपके पास, सही है, एक ये भी सबसे छोटा नंबर इसको भी ट्राई कर लें 10.24 को, तो जो उसका आंसर है क्या आना था, इसका आंसर जो मैंने बताया ना 3.2 आना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 3.2 अगर आंसर आ गया तो आपको समझ आ गई है। फिर भी अब आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए ना अच्छे से कि आपने करना क्या क्या है इसमें, तो फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है जो है फाइंड करने को कहा जाए स्क्वायर रूट डिवन मैथड्स, तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो पॉइंट पॉइंट ना हो तो आपने सिंपल बस पॉइंट नहीं लगाना, ना यहाँ ना यहाँ, बाकी सेम ऐसे ही जाएगा आपका, ठीक है, मैथड वही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।